हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गैस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे एक सेल्फ मसाज टेक्निक बताने वाला हूँ, जो मसाज टेक्निक अगर आपका नेक पेन हो रहा है, स्पेशल आपका नेक पेन यहाँ पे हो रहा है इस वाली एरिया पे, और उसके साथ वो नेक पेन ऊपर हेड की तरफ जा रहा है, सर के इस वाली एरिया पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा जकड़न फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, नेक को अगर हेड को घुमाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा पेन आपको होता है ऊपर वाली एरिया में, हेड के पीछे वाली एरिया में, तो ये सेल्फ मसाज टेक्निक आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है। ये आपका वहाँ का मसल स्पाजन इंस्टेंटली कम करेगी, आपका पेन भी वहाँ का इंस्टेंटली कम करेगी। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो, हमारे चैनल के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर किसी को भी नेक पेन से बचा सकते हैं। तो ये जो नेक पेन लोगों को होता है, स्पेशली लोगों को यहाँ पे जो नेक पेन होता है और वो पेन अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे नेक की जो मसल्स होते हैं, जो हमारे नेक मसल हमारे हेड को स्टेबिलाइज कर रखने का काम करते हैं। काफ़ी बार हमारा जो अपर ट्रेपेजियस मसल होता है या फिर हमारा लेवेटर स्कैपुला मसल होता है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। अभी टाइटनेस और स्टिफनेस कब आता है? आप बहुत देर के लिए मोबाइल यूज़ करते हो, ऐसे बहुत देर के लिए लैपटॉप के ऊपर ऐसे बैठ जाते हो, ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पर आपको फोकस करना पड़ रहा है, हेड का पोजिशन बहुत ज़्यादा आपने स्टेबल रखा है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रात को सोते ना, तो उनका जो पिलो होता है बहुत बड़ा साइज का पिलो होता है, वो सोते हैं तो उनका हेड ऐसे उठ जाता है। ये सारे कंडीशंस में आपके जो नेक के मसल्स होते हैं बहुत ज़रा टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप लोगों को होता है नेक का डिस्कम्फर्ट और आपको होता है पेन यहाँ पे। तो इस पेन को कम करने के लिए आज हम देखेंगे सेल्फ मसाज टेक्निक। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हल्का सा स्ट्रेच करके लेंगे ताकि वहाँ का टाइटनेस थोड़ा कम हो जाएगा और जो मसाज हम करने वाले हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे पोजिशन में खड़े रहना है, दोनों शोल्डर को पीछे खींच के रखना है, एक हाथ को पीछे की तरफ रखना है ऐसे, ठीक है। अब इसको रखने के बाद आपको हेड को सीधा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच कर देना है। अभी स्ट्रेच को सबसे पहले आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड धीरे से इसको आपको रिलीज करना है। अब जब आप इसको स्ट्रेच करोगे यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच फील होगा एंड रिलैक्स। इसको हम दूसरे साइड से भी करेंगे, हाथ को ऐसे रखोगे तो आपको स्ट्रेच और अच्छे से आएगा। फिर हेड को हमने इस पोजिशन में अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, इसको आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड 2 से 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेच हम करेंगे उसको आप क्या करना है, अगेन हाथ को सेम पोजीशन में रखना है पीछे की तरफ। अब हेड को 45 डिग्री में घुमा के उसको ऐसे नीचे की तरफ दबाना है। नीचे जब दबाते होते हैं यहाँ पे जो मसल्स होते हैं हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाते हैं। इसको अगेन होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड दूसरी तरफ से देखेंगे, हाथ को पीछे रखा मैंने, हेड को 45 डिग्री में घुमाया और फिर ऐसे इसको नीचे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रेच करके लेने हैं। स्ट्रेच करने से वहाँ के जो मसल में स्पाजम है थोड़ा कम हो जाएगा और जो सेल्फ मसाज टेक्निक हम देखने वाले उसके रिजल्ट्स आपको और अच्छे से मिलेंगे। आप मसाज टेक्निक में आपको करना क्या है, इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा आपके नेक के इस एरिया में और हेड के पीछे वाले एरिया में। सबसे पहले आपको करना है दोनों हाथों को ऐसे बनाना है, एंगल बना लेना है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये करना है, इस हाथ को ऐसे रख देना है पीछे, ठीक है। पीछे रखने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो दोनों थंब होंगे ना वो यहाँ पे आएंगे ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, चिन के ऊपर, और ऐसे यहाँ पे रख के ये चारों जो फिंगर्स होते हैं इसको यहाँ पे हेड के पीछे लगा देना है। अब यहाँ पे ऐसे आपको हाथ से इसको सर्कुलर मोशन करने है, हेड के पीछे जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है हर जगह पर आपको सर्कुलर मोशन करने, आप थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखिए, जितना प्रेशर लगाएंगे वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मसाज के इफेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे ऊपर तो पेन कम हो रहा है थोड़ा सा, मैं जब दबा रहा हूँ तो पेन कम हो रहा है, बट जब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ जहाँ पे हमारे हेयर का जो लाइन होता है वहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस होता है, यहाँ पे हमारे मसल्स की अटैचमेंट होती है काफ़ी। अब धीरे से मैं नेक की तरफ जा रहा हूँ, अब धीरे से मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 नेक की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मुझे पेन है वहाँ वहाँ मैं प्रेशर दे रहा हूँ, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, हाथ को घुमा रहा हूँ ऊपर की तरफ, साइड में, यहाँ पे, हर जगह पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम लोग एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 फिंगर की हेल्प से ये पूरे एरिया रिलीज करके लेना। अब हम क्या करेंगे, उल्टा आप थंब की हेल्प से करेंगे। उसके लिए आप क्या करना है, अगेन हाथ का ऐसा पोजीशन रहेगा, अब मेरे जो उल्टा हाथ पकड़ के मैं क्या करूँगा, हाथ को यहाँ पे रखूँगा फिंगर्स को और थंब को
जहाँ जा हाथ को आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, ऐसे इंटरलॉक करके यहाँ रखेंगे, अब ये सपोर्ट मिलेगा। थंब को क्या करना है, थंब को यहाँ पे रखना है, नेक के ऊपर रख के जहाँ जहाँ आपको प्रेशर या पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहाँ वहाँ पे आप इसको प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा पेनफुल रहेगा इसलिए आप थोड़ा कम प्रेशर लगाइए, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आप इसको धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा सकते हो। अब मैं पूरे नेक एरिया को यहाँ पे अच्छे से मसाज करके ले रहा हूँ, ठीक है, दबा के इसको सर्कुलर मोशन थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ। ऐसा स्लाइड करूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन मुझे फील होगा। यस, धीरे से नेक की तरफ जाना है, इसे धीरे से नीचे की तरफ ऐसे जाना है, ठीक, वेरी गुड। तो इसको आपको 5 से 10 मिनट के लिए फॉलो करना है, दिन में 1 से 2 बार इसको फॉलो कर सकते हैं। यस, रिलैक्स। ये था सेकंड टेक्निक, पहले हमने 4 फिंगर से किया, फिर हमने थंब से किया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपको अगेन हाथ को ऐसे पकड़ना है। अब आपको इस हाथ को नेक की यहाँ पे रख देना है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं राइट हैंड कोटा की यहाँ पे रखा है, मेरा लेफ्ट हैंड नीचे। अब यहाँ के हाथ यहाँ पे रखने के बाद इस फिंगर को हल्के से दबा के रखना है मसल के ऊपर, अब थोड़ा जकड़ के पकड़ना है हाथ को। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड ऊपर उठा है तो मैं धीरे से आप पकड़ के मेरा हेड जो है उसको राइट हैंड की तरफ, जो हाथ ऊपर उस तरफ घुमाऊंगा, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं हेड घुमा रहा हूँ इस तरफ तो यहाँ पे एक मसाज मुझे हल्के से इस एरिया में फील हो रहा है, मेरे फिंगर जो होते हैं हल्के से स्लिप होकर इस तरफ आ रहे, तो ये बहुत अच्छे से मसाज मुझे फील हो रहा है ऐसे। यस, फिर थोड़ा नीचे, यस, फिर यहाँ से, यस। तो अब इसको क्या करना है, आपके फिंगर्स को यहाँ पे दबा के रखना है हल्का सा, और जो हाथ ऊपर है उसी हाथ के साइड पे आपको रोटेट करना है। अब इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे मैंने फिंगर्स को यहाँ पे ऐसे दबा के रखा है, अब लेफ्ट हैंड मैंने उठाया है तो मैं इसको लेफ्ट तरफ ऐसे घुमाऊंगा, तो मुझे बहुत रिलीफ देगा गाइज, ये मसाज टेक्निक आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ देगी। अब काफ़ी बार नेक पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जहाँ हमारा नर्व इम्पिंचमेंट होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अगर केस है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आपका पेन नेक से होके यहाँ पे हाथ पे जा रहा है, तो ये मसाज टेक्निक फॉलो मत कीजिए, उसके लिए अलग वीडियोज़ है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, उसमें आपको एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सारे वीडियो का लिंक जहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा, वो सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो चेक कीजिए, वो एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट जिन लोगों का डेस्क जॉब है, दिन भर ड्राइविंग करते हैं, खड़े रहते हैं, हेड को पोजिशन लॉक करके रखते हैं, तो उनको यहाँ पर अगर पेन होता है, नॉर्मल मस्कुलर जो स्पाज़म की वजह से पेन होता है, उन लोगों के लिए मसाज टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली। तो लास्ट में हमने क्या किया, हाथ को यहाँ पे रख के सेम डायरेक्शन में हमने नेक को ऐसे हेड को रोटेट किया और फिर ऐसे इस तरफ, ठीक है। तो ये थोड़ा पेनफुल होगा बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा। यस, ये था वो सारी मसाज टेक्निक जो आपका हेड के पीछे जो पेन होता है उसको, और आपके नेक एरिया में ऊपर की तरफ जो पेन है उसको इंस्टेंटली रिलीफ करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, गर्म पानी की सिकाई करनी है, यहाँ पे पूरे एरिया पे हीटिंग करना है, ताकि वहाँ का मसल स्पाज़म और कम हो जाएगा और आपका नेक पेन, नेक डिस्कम्फर्ट सब कुछ इंस्टेंटली कम हो जाएगा। तो गाइज, आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो गाइज, आई होप आज के वीडियो में जो भी सेल्फ मसाज टेक्निक मैंने आपको बताई वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहेगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।